आई एम ज्योति एंड वेलकम टू माई चैनल द चैम्बर ऑफ सरप्राइजेज। गाइस, गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं और हम बाहर जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टैनिंग का सामना करना पड़ता है। तो ऐसी इसी टैनिंग को रिमूव करने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लेके आई हूँ एक टैन रिमूवल पैक। इसे हम फेस पैक तो नहीं कहेंगे, एक सिर्फ पैक है, क्योंकि हम इस पैक को जो है अपनी फेस पर ही नहीं पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा पैक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो आप अपनी पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं और ये सारे स्किन टाइप वाले लोग जो हैं अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने सैंडल्स पहन कर जाते हैं तो उसके जो बैंड होते हैं सैंडल्स के, जो स्ट्रिप्स होती हैं, उसका इंप्रेशन हमारे पैरों पर छप जाता है। वॉच पहनते हैं तो उसके बैंड का इंप्रेशन हमारे हाथों पर पड़ जाता है और ये बहुत ही ऑकवर्ड लगता है देखने में। तो इन सब को दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा आपके लिए एक उपाय लेकर आई हूँ। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ करेंगे गाइस, उसको आपको बाहर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में ही अवेलेबल मिलेंगे। इन इंग्रेडिएंट्स के जो है ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस नुस्खे के जो है वो फ़ायदे जो है वो बहुत ज़्यादा हैं जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले हमें इनके लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टमाटर की, कर्ड की, और हमें ज़रूरत पड़ेगी हनी की, लेमन की, थोड़े रोज़ वाटर की और कस्तूरी हल्दी की। तो चलिए देखते हैं अभी इस पैक को हमें बनाना कैसे है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और शेयर ज़रूर किया अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। बाउल लेते हैं जिसमें हमने 1 या 1.5 टीस्पून जो हमने इसके अंदर कर्ड ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा लेमन जो है वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा टोमेटो का रस ऐड कर लेंगे, जो हमने हाफ कट टोमेटो लिया था उसमें टोमेटो को हम हाफ कट कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा जो है उसका रस ऐड कर लेंगे। इस टोमेटो को फेंकना नहीं है, इसकी ज़रूरत हमें अभी आगे पड़ेगी। इसके बाद जो है हम इसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर लेंगे। अगर ज़रूरत पड़े हम इसमें थोड़ा गाढ़ा अगर ये हो जाता है तो हम इसमें थोड़ा रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद हम लास्ट में इसमें ऐड करेंगे थोड़ी कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जो है हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, जो नॉर्मल कुकिंग हल्दी होती है वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है हमारे फेस के लिए जितनी जो है वो कस्तूरी हल्दी हमारे फेस के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। तो इस पैक के अंदर जो है वो सारे ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, तो यह हमारे फेस के लिए काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। टैनिंग को जो है ये इंस्टेंटली तो रिमूव नहीं करेगा, मैं कहूँगी इसे हमें 2 से 3 बार यूज़ करना पड़ेगा तब ये हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। इसे हम अपनी पूरी बॉडी, हैंड्स पे, नेक पे, लेग्स पे, कहीं पर भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सबसे अच्छा टाइम इसे यूज़ करने का रहेगा हम शावर लेने से थोड़ी देर पहले इसे यूज़ कर लें और उसके बाद शावर लेते टाइम ये सारा रिमूव कर दें तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इसे अच्छे से बाइंड कर लेंगे और अगर ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन होना चाहिए, ये हमें फेस पे अच्छे से अप्लाई हो जाए, बस इस तरीके का पेस्ट हमें बना लेना है। अब ये कुछ इस तरीके का हमें दिखाई देगा, ये देखिए। अब इसे हमें अपने फेस पर लगा लेना है इस पैक को। अब मैं इसे आपको लगा कर दिखाती हूँ। अब हम इसे उस टोमेटो का यूज़ करेंगे जो हमने हाफ कट करके इसका रस तो इसके अंदर डाल लिया था, लेकिन मैंने आपको कहा था इसे फेंकना नहीं है। अब इसका यूज़ करेंगे हम, इसमें डिप करेंगे और इसे डिप करके हम इसे इस तरीके से अपने फेस पर मसाज करते हुए लगा लेंगे।
पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम इसे अपनी हैंड्स पर भी लगा लेंगे। ये देखिए, इस पैक की इन्वेस्टमेंट जो है वो तो है 0% गाइस, लेकिन इसके इफेक्ट जो है वो है 100%। तो इस पैक को हमें लगा के रखना है 10 से 12 मिनट तक, और उसके बाद हमें इसे प्लेन वाटर से वॉश कर लेना है। अब मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है। ये देखिए गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि जो टर्मरिक है उसका येलो येलो जो हमारे फेस पे रह जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा फेस देखिए जैसा पहले था पैक को लगाने से, वैसा ही पैक को अब लगाने के बाद अब है, लेकिन कुछ येलो येलो नज़र नहीं आ रहा है फेस पर, लेकिन अब क्लीन और ग्लोइंग नज़र आ रहा है। तो आप इस पैक को जो है 2-3 बार जो है वो यूज़ कर सकते हैं वीक में। तो इस पैक के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो 100% है, मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इस पैक को सेम डे ही यूज़ करना होता है, आप इसे बनाकर नहीं रख सकते हैं कि आज बना लिया 1-2 दिन बाद आप यूज़ करें, ये बहुत थिक हो जाएगा और ख़राब हो जाएंगे इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं। ऐसे ही और DIYs के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसे ही होम रेमेडीज़ आगे भी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मुझे मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को ढेर सारा प्यार दीजिए, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय गाइज़।